तो हेलो गाइस, अभी मैं पुष्कर से वापस आया हूँ अजमेर की तरफ। बाइक मिले मेरे को, यहाँ पर फैन क्लब है जिसका नाम है विवेक गिडवानी। तो इनका एक फैन क्लब है, तो ये कुछ खुद ही बताएंगे उसके बारे में। हाय, माई सेल्फ विवेक गिदवानी, मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। सर से मुझे मिलकर बहुत अच्छा और खुशी लगी। हमारी फैन क्लब है अजमेर बाइकिंग क्लब, साथ ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन है क्लिक हैप्पीनेस। मैं उसका प्रोडक्ट मैनेजर हूँ सर। अभी हम बर्ड्स को लेके एक रेस्क्यू चला रहे हैं। बर्ड्स का एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम बहुत सी नर्सरीज को अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम बर्ड हाउस एंड बर्ड फीडर्स के मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं। हम बर्ड हाउस एंड बर्ड फीडर्स लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि घर घर में बर्ड्स हाउस और लग सके, जिससे पक्षियों की हानि कम हो। आज भारत में सिर्फ 15,000 पक्षी रह गए हैं, और जो प्रवासी पक्षी बाहर से आते हैं उनके लिए भी कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं उत्पन्न की गई है जिससे उन्हें एक सेटिस्फाई महसूस हो। इसके संदर्भ में हम एक प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं। मैं सभी से ही आशा करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट हम सबको एक नई राह दिखाएगा, लोग पक्षियों के प्रति एक नई राह को आकर्षित करेगा, और साथ ही साथ सभी चीज़ों को सही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आगे मैं आपका ये शेयर करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सर ने मेरे को ये पानी की बोतल दी है, पानी के लिए भी दिया है साथ में, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस तरह से ही सपोर्ट करते रहिए आप लोग भी, ठीक है? और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये एक प्रोजेक्ट में सर का साथ, इस प्रोजेक्ट में सर के साथ आगे मिलकर हम कार्य करेंगे। थैंक यू। तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 10 फरवरी 2021, और कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था अजमेर से निकलने के बाद, क्योंकि मेरा कैरियर ख़राब हो चुका था और वज़न बहुत था बैग में, रास्ते में पैदल चलना पड़ा था मेरे को। तो आज सुबह स्टार्ट किया है मैंने वीडियो बनाना, और अभी मैं हूँ बयाबर में, ये अजमेर में ही पड़ता है। तो अभी यहाँ से उदयपुर है 225 किलोमीटर, जैसा कि आप देख सकते हो इस बोर्ड में, और जोधपुर तो जाना नहीं है, 160 किलोमीटर है। तो अभी चलते हैं, सुबह हुई है और रास्ते में मैं रुक गया था, तो अभी बयाबर 30 किलोमीटर था वहाँ से, तो 30 किलोमीटर कवर अप हो चुका है, और अभी चलते हैं उदयपुर की साइड में। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप कहाँ लेते हैं, लंच के लिए रुकेंगे कहीं पे। तब तक के लिए बने रहिए इस जर्नी में और सपोर्ट करते रहिए प्लीज़। बहुत मेहनत लग रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। रात में मैं ढाबे पे रुका था, बहुत अच्छे इंसान थे वो, और मैंने वहाँ खाना खाया, रहने के लिए उन्होंने जगह दी मेरे को। तो चलते हैं फिर आगे की तरफ। यहाँ से 225 है, तो देखते हैं कितना कवर अप होता है आज और कहाँ रुकते हैं आज। तो बने रहिए फिर जर्नी हमारे साथ। गाइस अभी एक फ्लाईओवर पे रुका हुआ हूँ रास्ते में, अच्छी बात अब भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कुछ खाते हैं, तो अभी खा पी लिया है। बट यहाँ से मैंने देखा है अहमदाबाद, उदयपुर तो जाऊँगा नहीं मैं, अब सीधा अहमदाबाद जाऊँगा। अहमदाबाद दिखा रहा है यहाँ से 490 किलोमीटर, तो एक दिन में ना, दो दिन में, तीन दिन में भी नहीं पॉसिबल, चार दिन में तो हो ही जाएगा पॉसिबल मेरे ख्याल से। देखते हैं चार दिन में कवर अप करके, और तब तक बने रहिए जर्नी में और देखते हैं कहाँ स्टे करते हैं। अभी तो लंच भी करना है, तो चलते हैं फिर। अभी अपनी धन्नो खड़ी है सामने, देख सकते हैं, ठीक है? और ये कुछ मज़ा आ रहा है। अभी टाइम हो रहा है 2 बजे का, और खाना खा के दोबारा से निकलने का प्रयास किया है यहाँ पे। ये दूसरा हाईवे है, जोधपुर जयपुर जोधपुर हाईवे पे हूँ,
सो आप देख सकते हो ये दर्रा, मतलब पहाड़ काट के रोड बनाया गया है, तो कुछ इस तरह का दर्रा दिख रहा है। ये देखिए मस्त लग रहा है एकदम, सामने रोड जा रहा है। और चलते हैं फिर, अभी देखते हैं करीब शाम 6 बजे तक साइकिल चलाएंगे आज, देखते हैं कितना चल पाती है और वहाँ पर स्टे करते हैं। हमने बोर्ड भी लगा हुआ है पाली का, दयावार वाला रोड छोटी के रास्ते में पड़ता है पाली, पाली की ओर जाते हुए रास्ते में देख सकते हो किस तरह का नज़ारा है। ये रास्ते का नज़ारा है काफ़ी खूबसूरत, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको शेयर किया जाए, क्योंकि आप भी तो इसीलिए हमारी वीडियो देखते हो। तो देख लीजिए काफ़ी सुंदर नज़ारा दिख रहा है मेरे को, तो आप बताइए आपको कैसा लगा। तो गाइज 6:15 बज चुके हैं देख सकते हो आप, और मैं चंडावल गांव के पास हूँ, ये पाली से करीब 60 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो अभी यहीं पे कहीं पे स्टे का देखते हैं, कोई ढाबा वगैरह मिल जाता है वहाँ पे। और देख सकते हो सनसेट भी हो चुका है, तो ये सनसेट कुछ इस तरीके का है। और ये अपनी धन्नू खड़ी है, तो अभी चलते हैं, 6:30 तो 6:15 तो हो ही चुके हैं, तो रुकने की जगह ढूंढते हैं कहीं पे। यहाँ पे राजस्थान में जब से चला हूँ कई जगह खेती बाड़ी होती थी, उस तरह की नहीं है यहाँ पे। सौंफ की खेती भी होती है देख सकते हैं, सौंफ की खेती है सारी, और काफ़ी हरियाली दिख रही है यहाँ पे। वैसे अभी तक कहीं पे सौंफ की खेती नहीं दिख रही है। तो गाइस कहीं भी कोई भी जगह नहीं मिली, और अभी बज रहे हैं 8, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ। तो अभी बज रहे हैं 8, और अभी रास्ते में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला आपको यहाँ पे डिस्टर्ब होगा, और तो उन्होंने मेरे को खाना तो खिला दिया, लेकिन उन्होंने बोला आप पास में गांव है वहाँ पे पूछ लो रहने के लिए। तो मैं यहाँ पे चला आया और मैंने पूछा एक भैया से, तो दोनों ने अलाउ कर दिया टेंट लगाने के लिए, और मैंने यहाँ पे टेंट लगा लिया है। ये फ्लाईओवर के नीचे है और भैया के घर के सामने है, तो उनकी शॉप भी यहीं पे है, और आज की रात यहीं पे निकलेंगे। और सबसे अच्छी बात है उन भैया ने एक भी रुपए नहीं लिया मेरे से खाने का। मैंने उनको बोला, मैंने कहा प्लीज़ आप रुपये ले लो, बट उन्होंने बोला नहीं आप हमारे लिए